ऐसा है कि 500 रुपया लेके जाते हैं तो 5 रुपया नहीं बचता है। कोरोना के समय में किस तरह से जीवन हम बचाया है जो मैं खुद जानता हूँ। लेबर को बहुत परेशानी होते हैं, सुबह ले जाते 8 बजे काम कराने, 5 बजे शाम में छुट्टी होता है और लेबर जाते। बराबर होना चाहिए हमारी मजदूरी। ये कहानी किसी हीरो या गैंगस्टर की नहीं, बल्कि दिन भर मेहनत करके एक वक्त की रोटी खाने वाले दिहाड़ी मजदूरों की है। ये कहानी है एक ऐसे ही दिहाड़ी मजदूर की जिसने पूरे कानपुर को अपने जुनून से जीत लिया। चट्टान सा मजबूत फौलाद है जिसका जुनून, वो दिहाड़ी मजदूर वैभव जोशी। यूं तो इस कहानी की शुरुआत उसी दिन हो गई थी जब वैभव जोशी अपने भाई मोहित जोशी के साथ बांदा से कानपुर आया। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हम जिगर पहाड़ का चीरे, जुर्रत की हम तस्वीरे, फौलाद को मोम बना दे, सहरा का दिल दहला दे। हम जिगर पहाड़ का चीरे, जुर्रत की हम तस्वीरे, फौलाद को मोम बना दे, सहरा का दिल दहला दे। आंखों पर है जो छाले, थमते हैं हिम्मत वाले, हम देश की ताकत का मजबूत गरूर। हम भैया इतनी देर कहाँ लगा दी? क्या बताएं भैया, जहाँ काम मांगो वहाँ काम नहीं मिलता है, जहाँ काम मिलता है वहाँ पैसा नहीं मिलता है। क्या बताएं, हमका लगा था हमका यहीं कुछ होए वाला नहीं है। परेशान ना हो, बैठो थोड़ी देर। तुमसे कितनी बार बोला है मेरे साथ खेतों में चलो और वहीं काम करो। हमने भी तो आपसे बोला है शहर चलो। तुमसे कितनी बार काम से बकवास मत किया करो। कब तक बढ़ के भैया, कब तक? शहर चल के कमाते तो आज ही खुद के अपने खेत होते। देखो बाबुआ, हमसे बकवास ना करो, ये शहर हमारे लिए नहीं है। दो वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत है। दो वक्त की रोटी शहर पढ़ के भैया सोचो, दो वक्त की रोटी क्या, शहर जाएंगे 4 पैसे ज्यादा कमाएंगे, और दूसरी चीज बचत होगी, और बच्चे भी हैं आपके, वो भी दो दो बिटिया है। सोचो बढ़के भैया सोचो। तुम तो जानत हो बबुआ, तुम्हारी भौजाई हमारे बिना कैसे रहे, जाने ना दें उनका। अरे आओ बढ़के भैया, बता रहे हैं, बैठो यहाँ। अरे बढ़के भैया, शहर जाओगे 4 पैसे ज्यादा कमाओगे, बहुजी आई खुश रहेंगी तुमसे, और अच्छे से देंगी भी, समझ रहे? सही कह रहे बबुआ, तो चलो फिर चलें कानपुर। और इसी के साथ वैभव जोशी और उसका भाई मोहित जोशी कानपुर आ गए, आंखों में सपने लिए और एक उम्मीद ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनका ये एक फैसला शायद उनकी जिंदगी बदल देगा। भैया कानपुर का स्टेशन देखो कितना बड़ा है। हाँ देखो बाबू, खा लग गए इन पर। भैया पैसा ही पैसा कमाना है। घंटा घर के बगल में है माल गोदाम, और ओमा एक दिन की दिवाली मिले तो 700 रुपयों। हाँ 700 रुपयों तो ठीक है बबुआ बहुत है, मगर कमरा कितना महंगा ले लिया 200 रुपया का। हम छुट्टन की गुल्लक खोल के 500 रुपया लेके आए। भैया छोड़ो ये सब बातें,
200 रुपये में पड़े, कल 700 रुपये पड़े मिली, और फिर देखो मजा पैसा ही पैसा, समझ रहे भैया? छोड़ो हटाओ तो भैया पैसा आ जाएगा, हम लोग शादी करो, और फिर शादी करे के बाद जो आप रात में करत हो ना, हम वही वो करत। का कही थे रात में? और अगले ही दिन से दोनों भाइयों ने घंटा घर में स्थित एक माल गोदाम में दिहाड़ी मजदूर बनकर काम करना शुरू कर दिया। ये दिहाड़ी मजदूरी भी आसान नहीं, धूप में जलकर और गर्मी में तपकर जो दूसरों के घर बनाता है, अक्सर वो खुद फुटपाथ पर सोता है। भैया पकड़ो, भैया आज का दिन तो हुआ पूरा, चली थे पैसा ले ली थे, चली थे। भैया ये सब माल लोड हो रहा है, अभी लोड करवा देते हैं, उसके बाद देखते हैं ऐसा क्या होता है। हाँ लंडे हो गया सब निपटा दिया? भैया जी काम तो ही हुआ है, आज का दिहाड़ी का देख लेती हूँ। काम तो तुम लोगों ने बहुत बढ़िया किया है, पर्ची कहाँ है? पर्ची कौन सी पर्ची भैया? बिना पर्ची काम हम कर लियो का? चूतिया हो क्या बे? भैया लीटर खत्म हो गए दुकानदार से। भैया जी कौन? भैया जी पर्ची कौन सी पर्ची? पहले तो बताया नहीं, माल उठाने पहले तो नहीं बोला गया था पर्ची? क्या बे बिना पर्ची काम करे? भैया जी भैया जी भैया जी भैया जी भूल गए क्या भैया जी का कहर? भैया 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 कागज गलती ना हो भैया, समझ में आ गया ना? भैया जी जान गए ना उनका कहर, आंदा जान रखना। बबुआ कैसे? बबुआ चोट वोट तो नहीं लगी? बबुआ बबुआ रो नहीं मारा ऊपर से पैसा भी नहीं देती है। बैठो 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 पानी आने आ रहा है। अरे हम भी इंसान हैं, समझ सकते हैं। उनको जानवर चाहिए, बहुत जानवर की एक तो सारे पैसे नहीं देता। रो नहीं रो नहीं रो नहीं रो नहीं पता नहीं कैसे पर्ची 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 पता नहीं कौन सी पर्ची है। पर्ची माने भैया जी का आता। भैया जी कौन सी भैया जी? चेट्टी कटाक पड़ाती। हाँ भैया तो पहली बार सुन रहे हैं बबुआ। वही कहा तमाम लेबर काम करा कर रहती। लगता है तुम लोग नहीं आए हो, चलो कोई बात नहीं हम तुम्हें बताते हैं। भैया जी यानी भैरव पंडित जो कि कानपुर के सबसे बड़े लेबर माफिया थे। भैया जी जो है वो कानपुर के लेबर माफिया है, हफ्ता देना पड़ेगा, पर्ची कटानी पड़ेगी, तब जाके सबको दिहाड़ी मिलेगी। भैया काम करने के लिए हफ्ता देना पड़ेगा, ये कहाँ का इंसाफ है? भैया जी का यही इंसाफ है, समझा तो करो दुकान में रहो। ए भैया जी का नाम कौन ले रहा है? अरे भैया सब नए लोग हैं। एक बात सुन लिया, भैया जी का नाम कोई नहीं लेगा, ठीक बता दिया है, आज के बाद यहाँ कोई भैया जी का नाम लेते दिख ना जाए।
बता दिया इतना। भैया जी ये कौन है? ये विनय भदौरिया जी हैं, भैया जी के इकलौते दुश्मन। इनसे मिलिए, ये हैं श्री 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 108 महाराज विनय भदौरिया जी। ये हीरो हैं या विलन ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन ये कानपुर में भैया जी के एक लौते दुश्मन हैं। ये वो गैंगस्टर हैं जिन्होंने कानपुर लॉकडाउन वाले अशरफ को अकेले मार गिराया था। भैया ये अशरफ कौन है? अशरफ नहीं पता तुमको? नहीं। तो फिर जाओ कानपुर लॉकडाउन देखो, सागर मिश्रा के चैनल को सब्सक्राइब करो और आप लोग भी देखिए। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। और ये है इस कहानी के मेन विलेन आलोक देव, जो कि भैया जी के भतीजे हैं, सॉरी एक लौते भतीजे हैं। वैसे तो भैया जी शुक्लागंज में रह के कानपुर पर राज करते हैं और आलोक देव कानपुर में रह के उनका लेबर माफिया का धंधा संभालते हैं। इनके अंदर सिर्फ दो ही कमी हैं, पहली इनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है और दूसरा ये बहुत बड़े रंडीबाज हैं। वो कहाँ है आलोक देव का ऑफिस? ऑफिस तो वो आने यहाँ के भैया। आलोक देव का ऑफिस किधर है? आगे भैया यहीं आगे भाई। चल लगे रही रंग गली गली माँ ऑफिस ऑफिस दिखे तो रहा है। कहाँ भैया कहाँ? वो भैया आलोक देव से मिलना था, पर्ची कटवानी है। दो मिनट रुको छोटो, जरा भैया दो मिनट एक बार खड़े रहना, हमारे भैया लोग को लेके जा रहे। ठीक है आओ भैया। अरे लो भैया, हाँ वो लेबर आए पर्ची कटवाए खातिर। भेजो भेजे। अरे भैया ये तो वही है जो उनका हमारी तरह है। चुप रहो भाई, बहुत मारेगा नहीं तो। चुप चुप चलो। आ भैया बाबू आओ कटवा पर्ची। अरे आओ 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 आओ। लोग क्या सेवा करी है तुम लोगों की? हेलो भैया, वो पर्ची की बात कर नहीं रहे। हाँ बताओ कितने की काटते? दरअसल भैया पर्ची नहीं कटानी थी। तो क्या नन्नी कटवाओगे अपनी? भैया अब तक पैसे कम थे, अगर अब तक पर्ची माफ हो जाती तो अगली बार से हम जरूर कटवा लेते। अरे पर्ची कम है? आओ बैठो हमारे पास आके। आओ आओ कितना रुपया कम है भैया? 400 कम है। 400 कम है ले मैं। 400 ले भैया, ले 400 ले 400 भैया, ले 400 ले माता चोर, ले माता चोर, ले माता चोर। हुआ छोटा भाई है भैया है तो हुआ है। माता चोर तुम्हारी गांव में ज्यादा चुल है आप। माता चोर तुम्हें क्यों बचा सकते हैं? माता चोर को बचाने की माता चोर है। ले लो इसको लेके जाओ। रात तुम्हारी गांव में डंडा नहीं डाला तो आलोक देव नाम नहीं मेरा। भैया नहीं भैया भैया। तुम मजदूरों की ज्यादा गांव में चुल्ले ना, तुम मजदूरों की ज्यादा गांव में चुल्ले ना। आज बताता हूँ माधर चोर तुम लोगों को मैं।
शायद ये जो हुआ सही नहीं हुआ। अब ना जाने आने वाला वक्त कानपुर में कौन सा हंगामा लेकर आएगा। चलो यहाँ से सामान पैक करो, ये कुछ ना हो हमारे। चलो 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 चलो। क्या सोचती है दुनिया, एक दिहाड़ी मजदूर दिन भर मजदूरी करके दो वक्त की रोटी भी नहीं कमा सकता। बड़के भैया अब वक्त बदलेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जिसके पिछवाड़े में दम होगा। बउआ अब घर चलो, नहीं तो ये हमका मार देंगे सब। नहीं भैया, अब मैं घर तभी जाऊंगा जब आलोक देव की अर्थी उठा दूंगा। पागल देव का है इस अहेरे मट लिए हम लोगों का, तुमका जाएगा जाओ हम ना जा। आलोक देव का हमका माँ की गाली ना भकेक चाहिए और हमारे सामने आपकी बेइज्जती ना करेक चाहिए और आपके पिछवाड़े की छेद की कसम एका बदला तो हम लाई के रहा। तुमका चीर रही है रहेगा है ना, यही रहो मरो। छुट्टन की गुल्लक से 5 रुपया फूट के ला रहे, जो पैसा बचे धुल लो एका। ठीक है करो, मन हो तो बस पकड़ के आ जाओ, ना मन हो तो यही रहो, मर जाए तो सूचना हम कह दे दिए। मत का खेल है सारा, फिरता था मैं आवारा, ये क्या से क्या हो गया। 4 दिन की जिंदगानी, हर पल एक नई कहानी, क्या था मैं क्या बन गया। क्या हुआ जो लारी छूटी, जीवन की गाड़ी लूटी, खाब है तो मुझको ना जगा। जिंदगी एक पल में साली, यूं पलट गई हमारी, झूठ है तो मुझको ना बता। का बोल दिया हम भैया से, लेकिन हमें बदला तो लेना ही है, अब कैसे लेना है ये नहीं पता। बिना भदौरिया हमारी मदद करेगा, अब वही हमारी मदद कर सकता है ई काम मां। वैभव जोशी ने ठान लिया था कि वो अपने भाई की बेइज्जती का बदला आलोक देव से लेकर रहेगा। आई मिलन की बेला, और इस जुर्म के रास्ते पे चलने के लिए उसने साथ पकड़ा पिनय भदौरिया का, जो कि भैया जी का एक लौता दुश्मन था। भैया भोसड़ी का वैभव जोशी के एक फैसले से आज बहुत लोगों की जिंदगी बदलने वाली। तैयार भैया लेने को तैयार, भैया भोसड़ी का, भैया भोसड़ी का, उसका बाप बजाए पिनय भदौरिया। मुझे भैया जी को मारने में तुम्हारी मदद चाहिए। रुको 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 रुको, हमें आलोक देव को मारना ही है। रुको रुको, बात सुनो तो। पूनम भैया, पूनम का करियो ले जाके। अरे पूनम बात करनी है, चलो तो पहले। नीम का पत्ता कड़वा है, लालू यादव भड़वा है, जब ट्रेन स्लो चलती है तो कैसे आवाज आता है। भैया की बात, भैया की बात। अच्छा तो तुम आलोक देव की गांव मरना चाहो तो, लेकिन कैसे। बस आप हमका जो है एक कट्टा दिला दे और हम सब कर ले। कट्टा तो तुमका दिला देवे, कट्टा छोड़ो यहाँ तक कि तुमका नए जमाने की पिस्तल दिला देवे, लेकिन एक बात ये बताओ, गांव में चलाए की दम है। अगर तुम सही समय पर कट्टा ना चला पाए तो आलोक देव पहले तुगरी गांव खड़ी है फिर हमरी गांव खड़ी है, पता है ना, वो बहुत हरामी आदमी है। आप इन सब की चिंता ना लो, हम देख ले, बस एक बार कट्टा हाथ में आ जाए फिर आलोक देव की गांव फाड़ के राजा बना हम। क्या 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 क्या, कानपुर के राजा तुम बनोगे। हाँ उम्र बीत गई गांव मराते मराते, और कानपुर के राजा तुम, दिहाड़ी मजदूर कानपुर का राजा बनेगा। ठीक है भैया जी, गलती हो गई, लेकिन अब भैया ये बताइए करना कैसे है। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत,
जग में सब कहेंगे मर गया मर गया मादचो ला 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 ला। विनय भदौरिया जानता था कि आलोक देव को उसके घर में मारना नामुमकिन है, इसीलिए उसने वो समय चुना जब आलोक देव अकेला होता है और हर सुबह परमठ मंदिर जाता है बाबा के दर्शन करने। जी भैया जी, आज बाबा कृपा से बहुत बढ़िया दर्शन हुए, बाबा ने आज सुकून आ गया। जी भैया जी, और बताओ कैसा चल रहा है काम, आज की दिहाड़ी कितने की हुई? 17,000 हुई भैया जी। अच्छा, इसी दिन के लिए तुम लोग पाल रखे थे माधरचोद, काम बढ़ाओ, काम चाहिए काम। जी भैया जी। ये कौन बोला माधरचोद? अबे भोसड़ी के तू फिर आ गया, लगता है भाई की गांड भर गई है, दोबारा आना पड़ेगा क्या? ये मजदूर का हाथ है आलोक देव, लोहा पिघला के 70 वाला दाना निकाल देता है। अरे बउआ, तुम तो खामखा में परेशान हो गए, क्यों है? तुम ही बोले थे उसके भाई गांड में जाने दे, जा उसके पास चुक गया। वैभव जोशी और विनय भदौरिया का यह प्लान तो फ्लॉप हो गया और अब बारी थी आलोक देव की हमला करने की। अब देखना यह था क्या विनय भदौरिया और वैभव जोशी आलोक देव का यह हमला झेल पाएंगे। क्या हो गया भैया जी, क्या हो गया, क्या हो गया भैया जी? एक दिन माधर चोर हम निपट जाएंगे, तुम लोग गांव में रहते रह जाना। अरे भाई हुआ क्या बताइए तो आप। आज तुम लोग के होते ये दिहाड़ी मजदूर अब मुझको मारने आया था। भाई लेके आ गई ये क्यों भाई है? क्यों मैं तू भाई को मारने आया था? हटो भैया हटो हटो सुबे, तेरे जैसे दिहाड़ी मजदूर की तो इतनी औकात है नहीं कि तू बंदूक खरीद पाए। बोल क्यों, किसने भेजा है? भैया भैया बिना भदौरिया भैया भैया एक बात जान लो, आलोक देव को अगर मारना है ना तो उसको उसके हवेली से बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन कैसे? बस कुछ नहीं करना है, उसका आत्मसम्मान गिराना है, जब किसी का आत्मसम्मान गिरता है तो ऑटोमेटिक बाहर निकल के आता है। विनय भदौरिया वो भोसड़ी का भाई बताइए, अभी जाके उसकी गांव फोड़ देते हैं। अब बताइए गांव फोड़ देते हैं? ये दिहाड़ी मजदूर आया, बंदूक लाया, मुझे मारने आया, मुझे है? तब तुम लोग क्या अपनी गांव मरा रहे थे? भाई बताइए अब चलते हैं, आइए बताइए। अब मैं अकेला जाऊंगा उस विनय भदौरिया की मां चोद ने। अब वनवास का वक्त खत्म हो चुका था और समय था लंका दहन का। कहाँ भोसड़ी का? भैया विनय भैया बोले रहे कि आलोक देव को मार के यहीं अंदर मिलना। उतर चल। कहाँ है वो? यहीं भैया यहीं बुलाया जाता, यहीं बुलाया जाते। आइए आलोक देव आइए। क्यों विनय भदौरिया, तू मुझे मारेगा भोसड़ी के? अब मारने के लिए भरवा भेजा है मुझे? हे आ गया आलोक देव, दवा तो मार के दिखा। तू आया नहीं भोसड़ी के, तुझे बुलाया गया है। आखिरकार विनय भदौरिया का प्लान सक्सेसफुल रहा जैसा कि वो चाहता था। आलोक देव निहत्था अकेला उनके सामने था, लेकिन शायद वो ये भूल रहे थे कि वो अभी अपने पैरों पे खड़ा था। अगर आलोक देव को तुम्हें मानना है तो उसको उसके बिल से बाहर निकालना पड़ेगा। ये लो बंदूक, चलाना नहीं, चूहे को उसके बिल से निकालो। भैया जी उसमें एक ही गोली थी,
जो आप वहां चला चुके थे। तुम दोनों के लिए तो मेरे हाथ ही काफी हैं। आलोक देव आलोक देव, ये ले, ये भी ले, ये भी ले। जान का फायदा मारूं तेरे भैया, आज तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। अबे अबे बचा के रहो। तेरी मेहनत निकाल दूंगा। और इसी के साथ हुआ वैभव जोशी और विनय भदौरिया के हाथों आलोक देव का खात्मा। लेकिन ये अंत आने वाली एक बहुत बड़ी जंग की शुरुआत है, क्योंकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। हेलो भैया जी, आलोक भैया को दिहाड़ी मजदूर ने जान छुड़ा दिया और अपना पूरा बिजनेस भी टेक ओवर ले लिया है। भैया जी हम लोग छुपे छुपे घूम रहे हैं भैया जी, जान बचा के। वो साला विनय भदौरिया भी उसके साथ मिला हुआ है। कुछ कीजिए भैया जी, कुछ कीजिए। चिंता मत करो, हम आ रहे हैं यहाँ कानपुर। इस दिहाड़ी मजदूर वैभव जोशी को कुत्ते की मौत नहीं मारी तो हमारा नाम भैरव पंडित नहीं। तेरे ऐसे दिहाड़ी मजदूरों की तो इतनी औकात है नहीं कि तू बंदूक खरीद पाए। फिर से तो पता नहीं पाए। आलोक देव, एक ही गोली थी जो वहां वेस्ट कर दी। ऐसे नहीं, ऐसे लात गला दबाओ, उठो निहाल, उठो। ध्यान रहे भैया जी का नाम को मेरे सामने लेना। एक बार फिर से ट्राई कीजिए। ध्यान रहे भैया जी का नाम को मेरे सामने लेना। भैया जी पहली दाल बंद है। चलो 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 फिर से करो। पिछवाड़े की चेत की मच। गिर जाओ 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 गिर जाओ
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। समझा देना भैया जी के नाम मेरे सामने कोई ना ले। तो कोई हाथ ले पीछे पीछे देखना। हाँ थोड़ा देखना, एक दो तीन स्टार्ट। भैया पकड़ो असली पहिया असली के स्टार्ट। अरे माइक कहाँ से दे रहा है स्टार्ट। अरे बड़के भैया भी अच्छे से देंगी।